जाओ अंदर जाओ जाओ। उधर भी है। हट। मम्मा वीडियो नहीं हो पा रही है नी। सामने खड़ा है। छोड़ दे उसे, उससे ऊपर करके बना लो। ऊपर से देखिएगा। वीडियो लगा के तू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है धनतेरस। सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय लवली फैमिली। दूर हो जाओ थोड़े से, दूर हो जाओ मेरे चाय का भाई। पास ज़्यादा थे ना तो ऐसा लग रहा था मैं कैमरे पे ही बैठी हुई हूँ। सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल माय यूट्यूब लवली फैमिली। और देख लेती हूँ वॉइस आ रही है कि नहीं। सो नहा धो के बैठी हूँ और बज रहे हैं आपके 8:15 हुए नहीं है। और आज मैं नहा धो ली थी जल्दी से और सारे घर साफ वाफ कर दिया। नहा धो के फ्री बैठी हुई हूँ, चाय पिया है नहा धो के। और अब हनी को उठाएंगे, स्कूल है उसका, बच्चों के स्कूल है अभी। कल तक स्कूल है बच्चों के, अभी भी मतलब 30 तारीख तक स्कूल है। 31st से उनकी जो है हॉलीडे होंगे, मतलब 31st से 10 ही का है। हनी का भी पता नहीं कब से है क्या है। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल जो गेट रखा हुआ था, मैंने बताया था दीमक लगा हुआ जो गेट का बाहर रखा हुआ था, वो भी हट गया कल। तो मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी वहाँ से भी। और पता है उसमें से ना इतने वाइट वाइट से दीमक के कीड़े निकल रहे थे, मतलब बड़ा टेंशन हो जाती है मुझे। कोई भी अगर मेरा ऐसा काम हो ना कि मतलब करना है और हो नहीं पा रहा हो, पेंडिंग पड़ा हो तो पड़ा हो था। और तो गेट का भी नाप भैया ले गए हैं, जहाँ तक है कल तक लग जाएगा। देखो कल या परसों तक लग जाएगा, तो बस लग जाए एक बार, भगवान करे कैसे भी लग जाए, जल्दी से जल्दी लग जाए, टेंशन कम हो मेरी, एक गेट लग जाएगा। सो मैं सबको दिवाली भी विश कर देती हूँ। विश यू हैप्पी दिवाली टू एडवांस ऑल ऑफ़ यू। और डेली आज मेरा ना बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा है। मैंने कर्टन जो है हाथ से वॉश किया है, वाइट कर्टन जो रूम डाले हैं, तो वही लास्ट रह गए थे। कल वॉशिंग मशीन वगैरह भी चला के सब ख़त्म कर दिया, सारा घर का दिख गया। कुशन वगैरह भी सब कुछ चेंज कर दिया, घर एकदम नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है। बेडशीट यहाँ पे, इसकी जो बेडशीट है ये भी मैंने चेंज कर दी। रूम की बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी, कंधी चेंज कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि आज धनतेरस है, तो कल मैंने सब कुछ चेंज कर दिया था। और आज सिर्फ लाइट लगाएंगे शाम में, शाम में या दोपहर में जो भी लगाऊंगी, एक लाइट लगानी है हमें यहाँ पे। और बाकी का पूजा इस बार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे वो वाले डेज चल रहे हैं, तो पूजा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ दीपक वगैरह जल जाएगा, घर में दीपक जल जाएंगे तो ऐसा होगा। अब देखो मैंने इतना खुशी इतना खुश होके और इतना मतलब इतना खुश होकर मैंने घर की साफ़ सफाई करी थी कि दिवाली है दिवाली है दिवाली है। अब देखते हैं, देखते क्या है। देखो ऐसा हो जाता है कि आप चाहते कुछ और हो और होता कुछ और है। हमने चाहा था कि दिवाली आएगी तो अच्छे से साफ़ सफाई होगी, तो पूजा पाठ सब ऐसा सब करके होगा ना। लेकिन हुआ क्या कि कुछ हाथ नहीं आया, मतलब पूजा नहीं कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं। और ये मेरा टेबल कवर भी मैंने जो है चेंज कर दिया, ये वाला टेबल कवर भी छा दिया, ये नया ला के। सो चलिए देखते हैं, जो भी होता है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो जी लाइटें लगा दी हैं मैंने, मैंने ही लगाई है ये वाली लाइट लगाई है इस वाली विंडो पे। ज़्यादा तो कहीं जगह है नहीं है। और दूसरी एक और लाइट दिखाती हूँ,
उससे पहले दिखाते हूँ गेट का, जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ चौखट लगा था, वो जो प्लेन करके उन्होंने लगाया था, तो वो यहाँ से अब हट चुका है। पूरा चौखट का रेड़ देखिए आप किस तरीके से हुआ है, पूरा ख़राब हो रहा है। तो चौखट का लगाया था वो हट चुका है, अभी नया क्या बोलते हैं मतलब, अब पहले बोला था वो जो हमारा मिस्त्री गेट लगाने वाला, वो बोला पहले लगा लीजिए वो प्लेन करवाइए, देख के भी गया और अब बोल रहा है हटाइए, तो आके वो हटा के गया, अब आएगा तब गेट लगाएगा दूसरा, मतलब ऐसा नाटक करके रखा है। और ये वाली तोरल तो धुल ही नहीं पाई है इस बार, ऐसी टंगी हुई है, क्योंकि धूल और ये सब होता तो मैंने कहा इसको धोने का कोई मतलब नहीं बनता, साफ ऐसे ही करती। चलिए आपको दूसरा लाइट दिखाती हूँ। मैंने लास्ट मतलब जब से इस घर में आई हूँ मैंने लगा नहीं था, भीतर से बोर्ड में लगाया है मैंने, विंडो में से लिया है, दिखेगा नहीं आपको, विंडो में से मैंने वायर को अंदर किया है और ये एक लाइट मैंने यहाँ लगा दिया इस तरीके से। एक लाइट यहाँ लगाई है, एक लाइट वहाँ लगाई है, पिछली बार नहीं लगाई थी क्योंकि ये जो तार देखिए वहाँ से गया है इस तरीके से अंदर गया, यहाँ पे ना बोर्ड की नहीं है, अब ये सिर्फ एक लाइट है, तो हम सोच रहे हैं यहाँ से एक बोर्ड का भी एक व्यवस्था करवा देंगे, जिससे हमारा मतलब एक यहाँ पे बोर्ड हो जाए तो हम लाइट वगैरह लगा पाए आराम से। तो ये लाइट एक मैंने यहाँ लगा दी है। तो जी लग गया हमारा गेट, ये देखो अब इसको दीमक नहीं खा पाएगी, इतना अच्छा गेट लगाया है। इसमें एक लॉक भी है यहाँ से, और यहाँ पे मुझे कुछ लगाना है, मैं दिखाती हूँ क्या ये कर ले, क्या है शुभ लाभ ये लगाने हैं मुझे इस गेट पे, एक इधर लाभ लगाऊंगी इधर शुभ लगाऊंगी, परमानेंट लगा दूंगी इस गेट पे मैं। और जो हमारा जैन फैमिली का बोर्ड है ये वाला, इसको मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे एक लेंस लगेगा, तो वो लेंस पे ही मैं उसको अटका देती हूँ। तो ये करना है मुझे, शुभ लाभ लगाना है। हर बार का ना एक भारी भारी भरकम, एक कह सकते हैं एक भारी भरकम प्रॉब्लम हो जाता है, और वो प्रॉब्लम है कि दिवाली 2 दिन की बढ़ जाती है। अब आधी दिवाली तो एक सेकंड, ये पत्ता सूखा हुआ है निकाल दो। तो आधी दिवाली तो आपकी पड़ेगी 31 को, आधी पड़ रही है 1 को, तो हम लोग मैं मतलब पूछ रही हूँ कि कब की है दिवाली, तो पता चल रहा है कि 31 की छोटी दिवाली और 1 की बड़ी दिवाली, 2 का गोवर्धन पूजा, 3 की भाई दूज। और हमेशा ऐसे ही होता है, दिवाली छोटी दिवाली पड़ती है, फिर उसके बाद बड़ी दिवाली पड़ती है, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज पड़ता है। तो इस बार ही जो लोग 31 को सेलिब्रेट करेंगे वो 1 को पूरा कुछ भी नहीं करेंगे, 2 को गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करेंगे। तो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है भैया सीधी सी बात है, अब जो जैसा होगा वैसे ही करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ आज 30 है, आज सेलिब्रेट नहीं होगी, कल जो है हमारे यहाँ छोटी दिवाली सेलिब्रेट होगी, और परसों जो है हमारे यहाँ बड़ी दिवाली सेलिब्रेट होगी, और धनतेरस निकल गई। मतलब एक दिन का इधर उलट फेर चल रहा है, कोई कह रहा है 1 की दिवाली है, कोई कह रहा है 31 की दिवाली है, तो बड़ा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं सारे लोग। तो कुछ लोग है ना 31 को सेलिब्रेट करेंगे, और कुछ लोग हमारे जो है 31 को सेलिब्रेट करेंगे, और कुछ लोग हमारे 1 को सेलिब्रेट करेंगे, तो ऐसा होने वाला है। और ये बड़ा ना, ये मैंने फ्लिक्स निकाले थे, मेरे मुड़ ही जा रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोशिश कर रही थी थोड़ा सा सुंदर बनने की। सो बड़ा कंफ्यूजन वाला दिन हो रहे हैं, साफ सफाई सब कुछ हो गया है, अब दिवाली का वेट है, तो कल है छोटी दिवाली। पर टैन कह रही है मम्मा, सब लोग कह रहे हैं कल दिवाली, क्योंकि यहाँ काली पूजा सेलिब्रेट होती है कोलकाता में, दिवाली सिर्फ हम जो नॉन बंगाली है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो काली पूजा वाले दिन ही दिवाली पड़ती है, तो कल जो है काली पूजा है, लेकिन दिवाली कल जो लोग मनाएंगे वो मनाएंगे, हम लोग परसों मनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में दीपक रखे जाते हैं पहले, तो उसके बाद दिवाली सेलिब्रेट होती है, क्योंकि भगवान महावीर हमारे मोक्ष गए थे, उसकी खुशी में दिवाली और दीपक जलाए जाते हैं। तो जब लड्डू ही हमारा 1 तारीख को चढ़ रहा है, तो हम उससे पहले दिवाली सेलिब्रेट करके क्या करेंगे, उससे पहले तो हम कर ही नहीं सकते, जिस चीज़ के लिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वो 1 तारीख को होगी, तो हम कैसे करेंगे। तो 1 को जब लड्डू चढ़ेगा तभी हम दीपक जलाएंगे, और कल छोटी दिवाली बनाएंगे, और ये सब लगाना है, डेकोरेशन भी हमें कल या परसों ही दिवाली वाले दिन फूलों की करूँगी, नहीं तो बच्चे बहुत पूरे फाड़ देंगे।
तो यह कल कर दूंगी ऐसा करूंगी, थोड़ा शाम में करूंगी, थोड़ा बहुत कर दूंगी बच्ची कुछ सब, मतलब सब तो हो ही गया है, बस थोड़ी बहुत रह गई है वो करनी है, और बस यही जो है दिमाग खराब करने वाली चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो चुका है। और हमारा हनी आज स्कूल जाएगा, उसके स्कूल में दिवाली पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, तो दिवाली सेलिब्रेट हो रहा है उसके स्कूल में, तो लेट्स चलते हैं, लेट्स गो। जी हाँ, हनी उठ गया, 9 बज चुके हैं, लेकिन आज 10:30 बजे जाएगा, तो लेट है थोड़ा सा। और कल मेरा तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं था, फिर भी मैंने सब काम किया, सब चीज़ें की। बड़ा ना मन ना हो ना आपका करने का, और फिर भी करना पड़े तो बड़ा ना गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, मुझे तो लिटरली बहुत गुस्सा आता है। ये फ्लिक्स अच्छा, तो मैं ऐसे ही अच्छी ज़्यादा लग रही हूँ, है ना, ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ ना, कॉमेंट करके बताना। साहब शहजादे दिवाली पार्टी के लिए तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, मुंह में बिस्किट भर के कह रहे हो, सुनो आओ कीटो पिनाऊ, आओ आओ कीटो पिना दूं मैं आपको। ये मैंने लास्ट ईयर मैंने पहनाया था इसको, ये वाला दिवाली कुर्ता मंगाया था ग्रीन कलर में, अब स्कूल के लिए पहना दे रहे हैं। इस बार दिवाली पे दुच्छा पहनेंगे। ये भाग भाग के क्या दिखाना चाहते हो, वैसे बिना डायपर के स्कूल जाता है, लेकिन क्या है ना अभी स्कूल में आज फंक्शन वगैरह होता है ना, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। चलो भैया स्कूल चले, एक मम्मा अपने आप जा रहा करके, ये भागा। लग चुके हैं हमारे शुभ लाभ, ये देखिए टेप से लगा दिए मैंने, कील ठोंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, टेप से क्या है ना जब मन चाहे निकाल लूँगी, और पेपर टेप से लगाया कोई दिक्कत नहीं है। शुभ लाभ लग चुके हैं, सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं इस तरीके से, है ना, ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। सो हे गाइस, आप लोग सोचोगे कैसी हूँ मैं, ऐसा ये सब। सो देखिए डेकोरेशन पूरा डन हो चुका है, छोटी दिवाली का दीपक जला दिया है। आज बहुत सारे लोग बड़ी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। घर कुछ इस तरीके से बाहर से डेकोरेट किया है, और हम अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे गेट पे शुभ लाभ लगाया है मैंने यहाँ पे, और उसके बाद इस वॉल पे मैंने डेकोरेशन किया है, कुछ इस तरीके से घर की वॉल्स डेकोरेट की है मैंने, ये देखिए ताकि अच्छा लगे। तो घर तो डेकोरेट है, लेकिन क्या है ना मन अच्छा नहीं है, कुछ रेडी शेडी नहीं हुई मैं छोटी दिवाली पे भी, और बहुत मन मतलब ख़राब है। हनी का तबीयत ख़राब है, सुबह से फीवर आ गया उसे, तो कुछ भी मन नहीं हो रहा। जब इस तरीके से हो जाता है ना, तो दिवाली कोई भी त्यौहार होना अच्छा नहीं लगता है। बस नेल पेंट लगा दिया, आईब्रो तक नहीं कराई है मैंने, बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो लड़का ना कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक्चुअली उसको फीवर जा नहीं रहा था, उसको फीवर हो रहा है, तो वो टेंशन है। तो आज छोटी दिवाली है, तो मैंने यहाँ पे दीपक जला दिया, मैं यहीं बैठी रहूँगी अभी जब तक दीपक जलेगा तब तक, तो और अच्छा लगता है ये दीपक जब जलते हैं। कल बहुत सारे दीपक जलाएंगे, आज बहुत सारे घरों में मतलब हमारी दुनिया के आधे से ज़्यादा घरों में आज ही दिवाली मना ले रहे हैं। कल हम जैनी लोग बनाएंगे, जो बच्चे बच्चे हैं थोड़े बहुत रह जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान का लड्डू चढ़ने के बाद में दिवाली मनाई जाती है। सो बस इसी तरीके से आपको मेरी डेकोरेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड सबके घर में सेलिब्रेट हो चुकी होगी, हम कल सेलिब्रेट करेंगे। अगर ब्लॉग बनाने का मन हुआ तो कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। घर में पूजा तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे को
छूना नहीं है, तो पूजा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ दीपक वगैरह जो मंदिर में जाएंगे वो देख के आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। बाकी के घर में मैं दीपक जलाऊंगी सारे कल शाम में। थोड़ा सा रेडी होने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रेडी वेडी होने का सोचूंगी, होके उस घर जाऊंगी तो ये सब होगा, तो वो मैं आप लोग के साथ अगर शेयर करने का मन हुआ तो शेयर करूंगी, नहीं तो सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं। अभी कल की चीज़ें कल पर डिपेंड है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यही एंड करती हूँ।